नमस्कार, मैं प्रोफेसर कामिनी कौशल, विभागाध्यक्ष द्रव्यगुण, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम महामारी के काल में जो सबसे ज़्यादा हमारी सर्वप्रिय औषधि है गुड़ुची, इसके बारे में हम बात करेंगे। गुड़ुची ये एक लता होती है जो कि वर्षा के दिनों में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके ऊपर पान के पत्ते के आकार की एक लता चढ़ी रहती है। जी हाँ, ये वही गुड़ुची है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें पान के पत्ते के आकार के, ये देखिए, हार्ट शेप ये पत्र होते हैं जो कहीं से भी कटे फटे नहीं है। इसमें एक पत्र से एक दंड लगा रहता है, जो दंड लास्ट में जाकर जहाँ कांड पर लगा रहता है, इसकी पहचान है कि एक फूला हुआ सिरा दिखाई देता है। देखिए, ये इस तरीके से फूला हुआ है जहाँ इसको अपने तने पर जुड़ना है। उस जुड़े हुए स्थान पर आप देखेंगे कि एक मोटी गांठ सी हो जाती है। अब यही इस गांठ से यदि आप कट करके कहीं भी लगा देंगे तो आसानी से ये तना उग जाता है। इस तने पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे इस तरीके से उभरे हुए उभार हैं और तने का रंग हरे रंग का है। जैसे जैसे ये तना सूखता चला जाता है वैसे वैसे ये गहरे हरे रंग का हो जाता है। ये गहरे हरे रंग का तना चूंकि अभी ये सूखने की अवस्था में है इसलिए इस कलर का हो रहा है, और इसके ऊपर जो उभार हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये इस तने की या गुड़ुची की पहचान है। आप देखेंगे कि इसके आगे यहाँ साइकिल की रिंग की तरह एक चक्राकार रचना होती है। चक्र होने के कारण इसके आप सूखे हुए तने को आसानी से पहचान सकते हैं। ये तना जब बिल्कुल सूख जाता है तो इस तरीके का हो जाता है। इसके ऊपर की त्वचा, ये देखिए, उतरने लग जाती है पपड़ी की तरह। यह इसकी पहचान है। इसके साथ ये एरियल रूट्स लगी रहती हैं। जब ये लता वृक्ष पर चढ़ी होती है तो वृक्ष के सहारे चढ़ने के लिए इसमें कुछ तंतु होते हैं जिनको हम एरियल रूट्स कहते हैं, जिनकी सहायता से ये श्वसन भी करती है, सांस भी लेती है। इस एरियल रूट को भी अगर काट करके आप उगा देंगे या पेड़ पर बांध देंगे तब भी इससे लता निकल आती है, पत्र निकल आते हैं और इस तरीके की गुड़ुची की लता उत्पन्न हो जाती है। चूंकि ये कई कई वर्षों तक जिंदा रहती है इसलिए इसको अमृता भी कहते हैं। तो हम पान के पत्ते की आकृति और जहाँ पर वो पत्र लगा है उस स्थान को हम देखेंगे तो वो फूला हुआ है, और ये पत्र बेल के कांड पर छोटे छोटे दाने नुमा उभार रचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन सब के माध्यम से गिलोय को आसानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि अभी वर्षा ऋतु है और इसमें फूल पुष्प नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ समय पश्चात इसमें पीले रंग के, जैसे स्त्रियां कानों में झुमके पहनती हैं उस तरीके के पुष्प गुच्छों में दिखाई देंगे, पीले रंग के होंगे। वही पीले रंग के गुच्छे वाले पुष्प आगे चल के गुच्छों में ही फल बनेंगे। अब फल मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के होंगे जैसे कि मटर की आकृति के फल होते हैं। ये कुछ प्रिजर्व किए हुए फल मेरे हाथ में हैं। ये हरे रंग के जो फल हैं ये गुच्छों में लगे हुए होंगे, जैसे स्त्रियाँ कानों में झुमके पहनती हैं ठीक वैसे ही गुच्छों में लगे हुए ये हरे रंग के फल होते हैं। उसके पश्चात जब ये फल पक जाते हैं तो लाल रंग के हो जाते हैं, जैसे टमाटर के रंग के हो जाते हैं। और तना जो होता है शुरू में हरे रंग का है, अंगूठे के समान मोटा होता है और धीरे धीरे ये हरे रंग का तना सूख करके गहरे हरे रंग का हो जाता है, और जब वो बिल्कुल सूख जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है और इस पर से पपड़ियाँ उतरने लग जाती हैं। ये बाहरी त्वचा पपड़ियों के रूप में उतरने लग जाती है। यही हमारी गिलोय की सबसे बड़ी पहचान है। अब यदि हम गिलोय को चख करके देखें तो ये कड़वी और कसैली होती है। इस गिलोय का पत्तों की तो सब्जी बना करके खाई जा सकती है, इन पत्तों को उबाल करके और आलू की सब्जी की तरह छौंक करके खाया जाता है। कांड को जो है औषधि के कार्यों में लिया जाता है हमेशा। ये एक बालिश्त का कांड यदि आप रोज इसको कूट करके पानी में मसल करके और आधा कप पानी इसका पी लें तो आपके लिए ये व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाली यानी रोगों से लड़ने की क्षमता आपको देने का कार्य करती है। जर्नली 5 चम्मच आप इस पूरी कांड का
रस निकाल करके यानी जूस निकाल करके 5 चम्मच कोई भी व्यक्ति ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप पाउडर ले रहे हैं तो इसका जो तना है सूखा हुआ तना, उसका 1 ग्राम पाउडर आप पानी से ले सकते हैं। तो यदि हमको रस लेना हो तो 5 चम्मच लिया जाए, पाउडर लेना हो तो इस सूखी हुई तने का 1 ग्राम पाउडर, 1 ग्राम यानी आपका चम्मच जो है उसका 1/5 हिस्सा, 1 चम्मच में 5 ग्राम आता है, 1 ग्राम उसका 1/5 हिस्सा होता है ऐसा कहा जाता है। और ये मेरे अपने अनुभव की भी बात है कि जब हम इस पाउडर को अगर घी के साथ मिक्स करके लें तो किसी भी तरीके का वायु का रोग ठीक हो जाता है। अगर हम इस पाउडर को, गिलोय के पाउडर को मिश्री के साथ या शक्कर के साथ मिक्स करके लेते हैं तो पित्त के रोग ठीक होते हैं। पित्त के रोग जैसे एसिडिटी होना, वोमिटिंग आना, मिचली आना, इस तरीके के रोग ठीक होते हैं। यदि हमें खांसी, जुखाम, कफ के रोग हो रहे हैं तो पाउडर में हम शहद को मिक्स करके फिर लें तो फायदा करता है। अगर हमें आमवात या गठिया रोग यानी जोड़ों में यदि दर्द है किसी के, तो सौंठ के साथ मिक्स करके 1 ग्राम गिलोय के पाउडर को दिया जाए तो आमवात या गठिया में फायदा होता है। यदि यही गिलोय का पाउडर गुड़ के साथ आप रोगी को प्रयोग करने के लिए देते हैं तो कैसी भी कब्जी हो वो दूर हो जाती है, यानी मल साफ आता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए गिलोय एक रामबाण औषधि है। यह औषधि ऐसी है जो किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, ज्वर हो, उल्टी हो, खांसी हो, बवासीर हो, खाज खुजली हो, क्योंकि ये कड़वी होती है और आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो भी कड़वी औषधि होती है वो बहुत अच्छा फल देने वाली होती है। तो यदि खाज खुजली या मूत्र के रोग हो, पीलिया हो गया हो किसी व्यक्ति को, भूख नहीं लगती हो, तो उसमें भी आप गुड़ूची के पत्तों की सब्जी और गुड़ूची का रस निकाल करके उसको दे सकते हैं। अच्छा, रस के अलावा यदि आप इसके तने का काढ़ा बना करके कोई महिला को सफ़ेद पानी की बीमारी हो तो वो भी पीने के लिए दे सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। इसके पत्तों को पीस करके यदि छाछ में मिला करके किसी व्यक्ति को रोज पीने के लिए दिया जाए तो खून की कमी दूर होती है। यानी इस पत्र में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति के शरीर में खून की कमी को दूर करता है। ये रिसर्च से भी सिद्ध हो गया है कि WBC को बढ़ाने का कार्य करता है, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं, वो कणिकाएं ये बनाते हैं। इसके पत्तों का छाछ में पीसकर हो ही गया प्रयोग। इसी तरीके से वात रोग हो या लीवर की कोई भी बीमारी हो, एसिडिटी हो, उल्टी हो, आँखों के रोग हो, बुढ़ापा आ रहा हो किसी को, तो उन बुढ़ापे को भी नष्ट करने की क्षमता इसमें है। डायबिटीज़ में गुड़ूची के पत्तों का जूस निकाल करके या गुड़ूची के कांड का जूस निकाल करके शुद्ध शहद में मिला करके, यानी इसके लिए आपको प्योर शहद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्योर शहद नहीं होगा तो डायबिटीज़ बढ़ सकती है। इसलिए आपको प्योर शहद में मिक्स करके गुड़ूची का इस रस को या जूस को मिक्स करके आप रोगी को पीने को देते हैं तो डायबिटीज़ में लाभ होता है। जिसे अगर पुराना बुखार हो और वो नहीं उतरता हो तो गुड़ूची के पत्तों की सब्जी, गुड़ूची के पत्तों को बॉईल करके और फिर इनकी सब्जी बनाई जाती है, वो दी जाती है, तो पुराना ज्वर कितना भी पुराना हो वो धीरे धीरे उतर जाता है। गुड़ूची हमेशा हमें ताजी ही लेनी चाहिए, तभी ये फायदा करती है। इसका एक नाम और है अमृता, यानी हमें ये अमृत की तरह हमारे शरीर को फल देती है, तो हमें हमेशा ताजी गुड़ूची लेना चाहिए। आयुर्वेद में स्पेशली कुछ औषधियों का नाम लिया गया है कि उन्हें ताज़ा ही लेना है, उसमें से गुड़ूची एक है। तो मैं आपको अब संक्षेप में एक चीज़ और बता दूं कि गुड़ूची की पहचान कैसे होगी, कि ये एक लता है जिस पर इस एक इसका कांड आप देख रहे हैं, इस लता में एक के बाद एक पत्र लगे हुए हैं, पहले ये एक पत्र, फिर उसके बाद ये दूसरा पत्र लगा है, फिर तीसरा, मतलब एक एक पत्र लगे हुए एक के बाद एक के बाद एक, और वो सब एक ही दिशा में हैं, पान के आकृति के हैं। जहाँ से पत्र तने पर लगा है वो स्थान मोटा है, फूला हुआ है, और जो तना है उस पर कुछ
छोटे छोटे बिंदु आकार के उभरे हुए, आप छू करके देखेंगे तो उभरी हुई रचनाएं दिखाई देती हैं। ये गुडुची का पूरा विश्लेषण हुआ, जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं। और गुडुची के लिए आप कहीं भी इसको उगा सकते हैं, किसी भी मजबूत स्तंभ पर या पेड़ पर इसको चढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ से कट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इसका पत्र लगा है वहीं इसका भोजन एकत्रित होता है, इसलिए यहाँ से आप कट करके ज़मीन में गाड़ देंगे तो आसानी से इसकी रूट्स निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं और ये उग जाता है। तो हम इसी के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप गुडुची का परिचय और उसका कैसे प्रयोग करें ये जान चुके होंगे। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आती है, कोई दुविधा होती है, तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेद विशेषज्ञ हों, आयुर्वेद चिकित्सक हों, कृपया उनसे जाकर के मिलिए और गुरुजी के बारे में और जानकारी प्राप्त करिए। धन्यवाद, नमस्कार।